हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपको शौक है नॉवेल्स, पोइट्री और स्टोरी पढ़ने का, तो आइए हमारे चैनल जीके विद मस्ती संदीप गोयल पर। यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन उपन्यास, कहानी और कविताएं मिलेंगी और पढ़ने के लिए काफ़ी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अध्याय 8, श्रीराम शर्मा प्रेम। जन्म 20 फरवरी 1916। श्रीराम शर्मा प्रेम उस पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि हैं जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व से अपनी काव्य यात्रा आरंभ की और स्वतंत्रता के बाद भी लिखते रहे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के दोस्तपुर नामक स्थान में हुआ, जो जनपद सुल्तानपुर का गांव है, लेकिन उनकी साहित्य साधना देहरादून उत्तराखंड में ही फलीभूत हुई, जहाँ वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक रहे। श्रीराम शर्मा प्रेम को देशभक्ति के संस्कार विरासत में मिले थे। दादा राम लॉटन उपाध्याय 1857 के सशक्त विप्लव में अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार लेकर जी जान से लड़े थे। मिडल तक की शिक्षा ग्रहण कर प्रेम जी एक संस्कृत पाठशाला में अध्यापक हो गए, किंतु कुछ समय बाद ही नौकरी से त्यागपत्र देकर महात्मा गांधी के संपर्क में के लिए साबरमती पहुंच गए। मात्र 16 वर्ष के युवक श्रीराम शर्मा स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों की टोली में सम्मिलित हो गए। पुलिस की लाठियां सही जेल गए, इन्हीं संघर्षों के बीच कविता भी लिखते रहे। प्रेम जी का रचना संसार परिमाण की दृष्टि से इतना विशाल नहीं है, किंतु वो 1938 से 1977 तक फैला हुआ है। इस विस्तार को मात्र 6 काव्य संग्रहों में ही समेट लिया गया है। ये संग्रह है: 1 अंगारे 1945, 2 दिल्ली चलो 1946, 3 जलती निशानी 1946, 4 श्रद्धांजलि 1948, 5 युग चरण 1969, 6 जलती धरती झुलसे पांव 1972। इन संग्रहों के अतिरिक्त उनकी कविताएं यत्र तत्र पत्र पत्रिकाओं में बिखरी हुई हैं। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कुछ गद्य रचनाएं भी लिखी जो आज प्राय अनुपलब्ध है। प्रेम जी की पहली प्रकाशित कविता है उठ जा यौवन के मतवाले, जो अगस्त 1938 में लिखी गई थी। कविता क्या है? एक संकल्प है आत्मशक्ति की पहचान कर देश सेवा में सर्वस्व निछावर कर देने का। इस विरोचित संकल्प को उनके युवा हृदय ने अदम्य साहस के साथ इन पंक्तियों में व्यक्त किया है: तूने तोड़े नभ के तारे, तूने सोखे सागर के खारे, कंपित तुझसे गिरिवर सारे, बार बार तेरी जयवाणी, कातर क्यों होता है, उठ जा यौवन के मतवाले, उठ जा हल्दी घाटी वाले। पृष्ठ 105। रचनात्मक कार्य, ग्राम संगठन और जनजागरण ही उनके जीवन का ध्येय बन गया। फलतः उनकी कविताएं संघर्ष की वाणी है। एक क्रांति धर्मा कवि के रूप में प्रेम जी उभर कर सामने आए। कवि सम्मेलनों में भी उनका ओजस्वी स्वर गरजने लगा। उनकी काव्य संवेदना मूलतः क्रांति और निर्माण के ताने बाने से बुनी हुई है। स्वराज्य प्राप्ति उनका पहला लक्ष्य था, जिसके पहले क्रांति सर्वोपरि है। दूसरा लक्ष्य था निर्माण देश का, समाज का नव निर्माण, जिसका मूल आधार हो वर्ग विहीन समाज। इन लक्ष्यों के लिए वे महात्मा गांधी और क्रांति दूत जयप्रकाश नारायण के आदर्शों को अपनाकर चले। सर्वोदय में उनका अटूट विश्वास था। महात्मा गांधी, नेहरू, वीर सुभाष, जयप्रकाश नारायण, वीर श्रीदेव सुमन आदि उनके लिए अनुकरणीय और समादरणीय थे। इनके प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि स्वरूप कई कविताएं लिखी। अपनी एक कविता में शहीद श्रीदेव सुमन के प्रति वे अपनी भावांजलि इन पंक्तियों में व्यक्त करते हैं: ओ यतीन्द्र पथ पथी तुझे, शत शत प्रमाण शत शाह प्रमाण, ओ भारत के मनस्वी तुझे, शत शत प्रमाण शत शाह प्रमाण। तुमने समझा था हंसी खेल माँ के हित मरना मिट जाना, तुमने सीखा था तूफानों में हंसते हंसते घुस जाना, कारा की काली कोठरियों में घुट घुट कर मिटने वाले, मिटकर भी तू अमिट, मिटेंगे तुझे मिटाने वाले, उनका भी तो होगा प्रभात जिन पर घिराई आज शाम, ओ यतीन्द्र पथ पति तुझे शत शत प्रणाम शत शाह प्रणाम। शहीद श्रीदेव सुमन के प्रति रचनाकाल 1946। पृष्ठ 106। जब देश स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने देश के निर्माण का स्वप्न देखना चाहा, किंतु अन्य सच्चे देशभक्तों की तरह ये सपना टूटने लगा। उन्हें निराशा भी हुई और कष्ट भी हुआ।
समता का क्या हुआ? निस्वार्थ भाव से देश सेवा के व्रत का क्या हुआ? दीन दुखियों को क्या मिला? ये कुछ प्रश्न थे जो अपना उत्तर मांग रहे थे। प्रेम जी की कविता में इन्हीं प्रश्नों का स्वर गूंजता सुनाई देता है। उदाहरण के लिए एक कविता की निम्नांकित पंक्तियां पठनीय हैं, जिनमें कवि की गहन चिंता मुखर हुई है। दीन देश की विकट समस्याओं का धनुष पड़ा है, बापू विश्वामित्र बिना दिग्भ्रम में राम खड़ा है। जनगणक जनक विलाप कर रहे, किंतु ना सुनता कोई। भूतन्या का भव्य भाल कुमकुम से रिक्त पड़ा है। सीए स्वतंत्रता को ना कहीं खल रावण ले जाए, उनकी कविताओं में संवेदनाओं का यही धरातल मुख्य है, जिसमें जनसामान्य की आर्थिक स्थिति, नए सामंत वर्ग के उदय, ईमानदार आदमी की उपेक्षा, मूल्यों के बिखराव, भौतिक प्रगति की दौड़ में खोखले होते जा रहे समाज की चिंताएं पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त हुई है। ये तमाम चिंताएं कवि को आजीवन उद्वेलित करती रही। श्रीदेव सुमन ने कवि टिहरी रियासत की, राजतंत्रशाही के अत्याचारों के खिलाफ बगावत की, फलस्वरूप 84 दिन की जेल की यातना के साथ उनकी हत्या कर दी गई। उन्हीं की पूजा में कवि ने ये कविता लिखी। पृष्ठ 107। श्रीराम शर्मा प्रेम परंपरागत मूल्यों के कवि हैं, लेकिन उनमें आधुनिक दृष्टि भी है। वे समकालीन समस्याओं के प्रति चौकन्ने रहे। विद्रूपताओं और विसंगतियों को उन्होंने अपनी कविताओं में उसी तल्खी के साथ व्यक्त किया, जिस उत्साह के साथ उन्होंने कभी देश प्रेम के ओजस्वी और क्रांतिकारी स्वर को उठाया था। उनकी काव्य भाषा सहज सरल बोलचाल की हिंदी से निकली है, उसमें भावों के अनुरूप गति और ओज है। पृष्ठ 108। शहीद श्रीदेव सुमन। ओ यतीन्द्र पथ पथी तुझे शत शत प्रणाम, शत शाह प्रणाम। ओ भारत के मनस्वी तुझे शत शत प्रणाम, शत शाह प्रणाम। तुमने समझा था हंसी खेल, माँ के हित मरना मिट जाना। तुमने सीखा था तूफानों में हंसते हंसते घुस जाना। कारा की काली कोठरियों में घुट घुट कर मिटने वाले, मिटकर भी तू अमिट, मिटेंगे तुझे मिटाने वाले। उनका भी तो होगा प्रभात, जिन पर घिराई आज शाम। ओ यतीन्द्र पथ पथी तुझे शत शत प्रणाम, शत शाह प्रणाम। लोहो श्रृंखलाएं शासन की तुझे जकड़ने धाई, किंतु अवस्था पर अपनी वे बार बार शर्माई। सदा जलाया ही तुमने अपने जीवन की बाती, तुमने जलने को ही समझा था जीवन की धाती। ओ मिट जाने वाले शहीद, मिटकर भी तेरा अमिट नाम। ओ भारत के मनस्वी तुझे शत शत प्रणाम, शत शाह प्रणाम। पृष्ठ 109। बूढ़ी माँ की ममता तुझको कब रोक सकी, कब पकड़ सकी? पत्नी की भी माया तुमको कब बांध सकी, कब जकड़ सकी? दीवानों को अपनी मस्ती से काम, उन्हें जग से क्या? दीवानों की मस्ती के आगे यौवन क्या, जीवन क्या? बलिदानी वीरों के पीछे रहते नहीं अपूर्ण काम। ओ यतीन्द्र पथ पथी तुझे शत शत प्रणाम, शत शाह प्रणाम। गिन गिन कर 84 संध्याएं तुझे निगलने धाई, गिन गिन कर 84 उषाएं तिलक लगाने आई। तिल तिल कर मिटते शहीद, तूने निज आन निवाही। कारा की काली कोठरियां देंगी कवि गवाही। जिसने पल पल तिल तिल तुझको मिटते देखा है निर्विराम। ओ यतीन्द्र पथ पथी तुझे शत शत प्रणाम, शत शाह प्रणाम। चिता भस्म की कसम तुझे जो पता नहीं है कहाँ जली, शेष अस्थि की कसम हमें जो पता नहीं है कहाँ गली। बूढ़ी आँखों के चिराग की कसम की जो है आज बुझा, पूछे हुए सिंदूर भाल की कसम की जो है आज झुका। नौजवान हमको ही करना है शहीद का शेष काम। ओ यतीन्द्र पथ पथी तुझे शत शत प्रणाम, शत शाह प्रणाम। पृष्ठ 110। गौरव गर्वित मसूरी। गौरव गर्वित मंसूरी, वैभव पूरित मंसूरी, वैभव विहवल मंसूरी। गिरी के गर्वित मस्तक पर अपने दृढ़ चरण जमाकर, सुखी गंगा लाता है जो शिव की जटा हटाकर। निपत निरादृत भूखा नंगा, श्रम की मूर्ति भागीरथ। सगर सुतों की आग फिर गई आज स्वर्ग सुख पाकर। लौटो युग की गंगा, कवि की वाणी कहती हैरी, गौरव गर्वित मंसूरी। पूंजी की पूजा से मानवता की जर्जर काया, सोने की दुनिया को इसने आकर राख बनाया। श्रम की पूजा हो ध्वनि देखो गूंज रही अंबर में, उगती लाली से पश्चिम का अंधकार घबराया। पूंजी केवल शक्ति नहीं है, श्रम के बिना अधूरी, गौरव गर्वित मंसूरी। पृष्ठ 111।
ये वर्षा की बाढ़ किनारों को कटना होगा ही, गड्ढों के भरने में टीलों को कटना होगा ही। यही समय की मांग झिझकना व्यर्थ व्यर्थ हैरानी, युग की गंगा वही जिधर तुमको बहना ही होगा। आज रोगना व्यर्थ बताकर पथ की दुर्गम दूरी, गौरव गर्वित मंसूरी। अब जन के प्रताप को भामाशाह सौंप दे पूंजी, उसकी सारी शक्ति अभावों के मुगलों से जूझी। युग के साथ बदल जाने में मैं ही कल्याण निहित है, जय जनता के तुमुल घोष से सारी दुनिया गूंजी। सत्ता से लड़ने को मचलेगी युग की मजबूरी, गौरव गर्वित मंसूरी। और इसी के साथ अध्याय 8 समाप्त होता है, पृष्ठ 112। अध्याय 9, लीलाधर जकूड़ी, जन्म जुलाई 1944। नई कविता के एक क्रांतिकारी और सशक्त कवि हैं लीलाधर जकूड़ी। लीलाधर जकूड़ी का जन्म जुलाई 1944 में टिहरी जनपद के धंगड़ गांव में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। पर्वतीय जनजीवन की अभाव एवं संघर्षमय परिस्थितियों की छाप जकूड़ी जी पर भी पड़ी, अतः इनका जीवन भी संघर्ष और अभावों में व्यतीत हुआ। परंतु उनका विद्रोही मन विरासत में मिले संस्कारों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रह सका और वे अपने पैतृक कृषि व्यवसाय को अलविदा कहकर निर्धनता से मुक्ति के लिए बाहर निकल गए। वे सेना में भर्ती हुए, परंतु वहां भी कवि के विद्रोही तथा क्रांतिकारी संस्कार बाहर आने के लिए छटपटाने लगे। वे सेना की नौकरी छोड़कर वापस घर आ गए। सृजन के संस्कारों ने उन्हें साहित्य रचना कर्म की ओर मोड़ दिया। जकूड़ी जी की कविताएं भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविताओं में आती हैं, जिनमें परंपरागत कविता से आगे भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। इस नई कविता में जीवन के प्रति आस्था है, एक स्वीकारात्मक दृष्टि है। इन्होंने कविता को जीवन के रूप में ही देखा। इनमें नूतन बोध अवश्य है, पर वह परंपरा से कटा हुआ बोध नहीं है, ये साठोत्तरी कविताओं का बोध है। क्रुद्ध और विद्रोही पीढ़ी की कविताओं के बीच जीती जकूड़ी की कविता के तेवर भी अत्यंत तीखे और आक्रामक हैं। किंतु अपनी बात की रचनाओं, बची हुई पृथ्वी तथा घबराए हुए शब्द में वे आत्मनिंदा और आक्रामकता से रहित सहज अभिव्यक्ति पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। इन रचनाओं में नवीन शक्ति, स्फूर्ति और अर्थवत्ता पूर्ण रूप से सक्षम है। जकूड़ी जी ने सर्वप्रथम साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण करते हुए उत्तरकाशी के शंखमुखी शिखरों पर से नई कविता का उद्घोष किया। इसके बाद निरंतर आगे बढ़ते रहे और अपने कृतित्व के कारण शीघ्र ही चर्चित हो गए। पृष्ठ 113। जकूड़ी जी के अब तक 10 काव्य संग्रह एवं एक गद्य रचना प्रकाशित हो चुकी है, जिनका क्रमवार निम्नलिखित है। एक, शंखमुखी शिखरों पर 1964, दो, नाटक जारी है 1970, तीन, इस यात्रा में 1973, चार, रात अब भी मौजूद है 1975, पांच, बची हुई पृथ्वी 1977, छह, घबराए हुए शब्द 1981, सात, भय भी शक्ति देता है 1991, आठ, अनुभव के आकाश में चांद पृष्ठ 1994, नौ, महाकाव्य के बिना 1995, दस, ईश्वर की अध्यक्षता में 1999, ग्यारह, मेरे साक्षात्कार गद्य 2003। अनुभव के आकाश में चांद पर कवि जकूड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। वे इस अर्थ में भी विशिष्ट हैं कि वह पहले पर्वतीय साहित्यकार हैं जिन्हें अभी 26 जनवरी 2004 में साहित्य सृजन के क्षेत्र में पद्मश्री से विभूषित किया गया। कवि की अधिकांश रचनाएं मनुष्य के आसपास पर्याप्त मौजूदा अंधकार में लड़ी जा रही मानवता की लड़ाई के कथा पक्ष हैं। अधिकांश में उनकी रचनाओं का वर्ण्य विषय वे लोग हैं जो आर्थिक विषमता, धार्मिक पाखंडों, रूढ़ियों और अंध परंपराओं के बोझ में दबे हुए हैं। उनकी रचनाओं के अनुशीलन से पता चलता है कि वे प्रयोग और नई कविता पर लगाए गए आक्षेपों का सही उत्तर दे सकते हैं। पृष्ठ 114। रूप विन्यास, भाषा शैली एवं कलात्मकता की दृष्टि से कुछ नया कर दिखाने की प्रबल शक्ति इस कवि में दिखाई देती है। शैली और शिल्प में समकालीन कवियों की अपेक्षा जकूड़ी में अधिक पैनापन है। वे आकृति, रूप, विन्यास, प्रयोजन और गंध के चितेरे कवि हैं। कवि उनकी शब्द सृष्टि में आत्मा का उज्ज्वल प्रकाश भी है और व्यक्ति तथा समाज की पीड़ा का स्पंदन भी। एक आदमी के भीतर हो रहे हजार हजार जन्मों से, उनकी भूख से, उनकी नींद से निकलते हैं कुछ पशु और मुझे चरने लगते हैं। जब उगने लगते हैं मेरे वंशधर, तब टीलों के कंधे उभरने लगते हैं। उत्तरांचल का ये कवि हिमालय के गीत भी गाता है। शंखमुखी शिखरों पर में कविता और गीत दोनों का ही समन्वय है। 1963 से 64 में वे हिमालयी के गायक युवा कवि हैं जो कालिदास के यक्ष के समान विरही मन की आकुलता से घिरे हैं। आज मेरी याद की अलकापुरी में लहराई सांवरी अलके तुम्हारी,
श्रृंग की ऊंचाइयों को नमन करती छलक आई पूजने पलखें तुम्हारी। नवीन विषय वस्तु के साथ सार्थक और सटीक प्रिय प्रतीक चिन्हों व बिंबों के माध्यम से विमर्म स्पर्शी भावचित्रों का सृजन करने में सफल हुए हैं। पेड़ की आजादी नामक कविता महाकाव्य के बिना नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है, जो विकासशील समाज में मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थन को लक्ष्य करके लिखी गई कविता है। ये कविता परिवेश, सामाजिक यथार्थ, आर्थिक नियोजन और कवि की सौंदर्य चेतना के समन्वित रूप को लेकर फूटती है, जिसमें कविता की सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों ही अक्षुण्य है। कवि की अंतर्देशीय नामक कविता बची हुई पृथ्वी नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है, जिसमें वर्ष 1975 से 1977 के दौरान लगाई गई इमरजेंसी अथवा आपातकाल में के विरुद्ध विद्रोह के स्वर फूटे हैं। पृष्ठ 115। अस्तु कवि लीलाधर जगूड़ी नई कविता के ऐसे सक्रिय गतिमान कवि हैं जिनके कविता के स्वर जीवन की विकसित चेतना और जटिलता से उपजे हैं। उनमें ठहराव नहीं है, एक अनंत यात्री के समान काव्य का वो ये मसीह जीवी निरंतर कवि कर्म में तल्लीन है। पृष्ठ 116। पेड़ की आजादी। उस दिन पेड़ को स्वतंत्रता दी जानी थी। उससे पूछा गया, तुम पत्ते चाहते हो या फूल या सीधे फल, तना चाहते हो या टहनियां या सिर्फ जड़े, या तुम केवल जमीन चाहते हो। पेड़ ने कहा, पत्ते ना हो तो बोझ कुछ कम हो, फूल ना हो तो ये भी आफत मिटे, ना हो फल तो कई तरह से मेरी जान बच जाए, तना ना हो तो काटा ना जाऊं, टहनियां ना हो तो झुकना ना पड़े। रही जमीन की जरूरत, वो मुझे नहीं बीज को पड़ती है, और अगर इन सबकी जड़ ही मिट जाए तो कितना अच्छा हो। जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो फिर तुम पेड़ कैसे हो सकते हो। हम तुम्हें एक आजाद पेड़ बनाना चाहते हैं। बने रहने के लिए तुम्हें अपने में से कुछ तो चुनना ही पड़ेगा। आप मुझे कुछ दे रहे हैं या मुझसे कुछ ले रहे हैं, पेड़ ने कहा। ये मैं बिल्कुल नहीं जानता, फिर भी अगर आप वैसा कर दें तो फिर मैं हर तरफ से एक आजाद पेड़ ही हो जाऊंगा, जब मैं हमेशा उन अमर चीजों में रहूंगा जो कभी पैदा नहीं होती। तब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कम से कम मैं मौसमों का मोहताज तो नहीं रहूंगा। पृष्ठ 117। तब मुझसे फल और पत्ते नहीं झड़ेंगे, बल्कि दुनिया की और जो उसकी नहीं है वे सारी समृद्धियां झड़ेंगी। तब मुझसे मेरी टहनियां लड़ेंगी, तमाम जन्मों की इच्छाएं लड़ेंगी, तूफान नहीं टकराएंगे, आकर आतृप्तियां फलेंगी। जो कुछ आप मुझे देते हो, पेड़ ने कहा, विकल्प में देते हो, वे सारे विकल्प जो मुझ में मौजूद हैं। कुछ देकर आप कुछ नहीं देते हो, जो देते हो वो अभाव, और जो नहीं देते वो मेरी जरूरत बन जाता है। कुछ लेकर आप जो स्वतंत्रता देंगे, देने के बाद भी वो जितनी आपके पास चली जाएंगी उतना मैं अधूरा हो जाऊंगा, ये जानते हुए भी कि स्वतंत्रता होने में है, न होने में नहीं। दी हुई आजादी में जो आप देना चाहते हैं वे मेरी प्रवृत्तियां नहीं, बल्कि मेरी प्रवृत्ति आप मुझसे लेना चाहते हैं। मैं जिस तरह होता हूँ, जिस तरह दिखता हूँ, उस तरह उतना मैं पेड़ हूँ। हम तुम्हारी तकलीफें जानते हैं, और वो विलंब भी जो तुम्हें एक संपूर्ण पेड़ बनने में होता है। पृष्ठ 118। पेड़ होने का हम तुम्हें एक उदाहरण बनाना चाहते हैं, कम से कम होकर भी तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो। मसलन कि तुम अगर सीधे एक फल हो जाओ, यों तुम्हारी अंतिम उपयोगिता हम बढ़ा देना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे देना चाह रहे हैं एक सुविधा, पेड़ ने कहा, पहुँचने के लिए एक सरल मार्ग, पर वो मेरा रास्ता नहीं है। एक और रास्ता निकल आता, जैसा मैं बीज से निकालता हूँ, जिससे जमीन में मिली हुई फुनगी को आसमान में पहुँचा देता हूँ। मैं उस रास्ते का मुसाफिर हूँ जिसमें अपनी जगह खड़ा रहकर बढ़ा जाता है, एक ऐसा मुसाफिर जिसका ब्याह चिड़ियाएं एक जंगल से दूसरे जंगल के साथ रचा देती हैं। न तना बनना सरल है, न टहनियों की तरह निकल आना, न फूल न फल न पत्ता बनना सरल है, न अपनी जड़ों के लिए जमीन को पटाना, कुछ भी सरल नहीं है। पृष्ठ 119। सवाल केवल पेड़ होने का नहीं, वो तो सिर्फ एक नाम है, जैसे कि आजादी, नाम में क्या रखा है। आखिर मैं पेड़ हूँ, आपका कोई विचार नहीं जो शाम तक बदल जाऊं। मुझे समय लगता है, मैं आबो हवा हूँ, मेरी भी एक अर्थव्यवस्था है, मैं भी एक संगठन हूँ। क्या आप अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त कर सकते हो, और क्या आप किसी संगठन को आजादी दे सकते हो। पृष्ठ 120। अंतरदेशीय। इस पत्र के भीतर कुछ ना रखिए, ना अपने विचार ना अपनी यादें इस पत्र के भीतर कुछ ना रखिए।
न अपने संबंधों की छाप, न दुख, न शिकायतें, न अगली मुलाकात का वादा, न संक्रामक बीमारियां, न पारिवारिक प्रलाप, न अपने हस्ताक्षर, वरना यह पत्र पकड़ा जा सकता है। इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए, क्योंकि जिनका ठिकाना नहीं वे असहाय सबसे ज्यादा संदिग्ध हैं। बाहर एक और किसी पाने वाले का नाम और पता दूसरी ओर किसी भेजने वाले का जरूर हो। समाचार खुद हिफाजत चाहते हैं, इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए। भेजने वाला जानता है क्या नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया। पढ़ने वाला जानता है कोरा वो भी बांच लेगा। एक भी आखर जिसके हिस्से नहीं आया, इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए। पृष्ठ 121। ना कोई विस्फोटक शब्द, ना बच्चा पैदा होने की खबर, ना कोई आकस्मिक मृत्यु, ना बम, ना कोई वाजिब तर्क, ना नए साल की बधाई, ना तलाक का इरादा, इस पत्र के भीतर कुछ ना रखिए। सादा मुद्दा सारा पत्र, पोस्टमैन का रक्तहीन चेहरा है और रोज गांजा जा रहा है और जिसे शाम को वो जमा भी नहीं कर सकता। अंतरदेशीय लीलाधर जकूड़ी। और इसी के साथ अध्याय 9 समाप्त होता है और यहाँ पर हमारी ये पुस्तक अवार्चीन हिंदी काव्य समाप्त होती है।